वो मौसम तो उन्हीं का खराब था, और इस बार उत्तर प्रदेश में झूठ का हवाई जहाज कहीं लैंड करने वाला नहीं है। ये झूठ बोलने वाले लोग कमाल के हैं, इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, उनसे बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद कीजिए, नोटबंदी के समय पे कहा गया था कि सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, याद है कि नहीं याद है? जिस समय नोटबंदी का फैसला लिया था, रातों रात हमें और आपको परेशानी में डाल दिया, हमारे आपके सब रुपए बैंक में जमा करा लिए, बैंक में जमा हो गया, लेकिन बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है तब से डबल भ्रष्टाचार हो गया है, डबल भ्रष्टाचार का गरीबों को सामना करना पड़ रहा है, चाहे उद्योग वाले हों कारोबारी हों, उन्हें डबल इंजन की सरकार का सामना करना पड़ रहा है, डबल भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये डबल इंजन सरकार वाले ऐसे हैं कि एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। ये सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि जो पैदल पैदल नेता चले थे उन्हें पहले ही गोरखपुर भेज दिया, अपने घर पहुंचा दिया। वो पहुंच गए घर के नहीं पहुंचे? और जब वोट डालोगे आप, जितना आप हैंडपंप और साइकिल के बटन को दबाएंगे उतना जल्दी और ये घर पहुंच जाएंगे। इसलिए समाजवादी लोग आपकी मदद करना चाहते हैं और खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। ये चुनाव, और कई बार हम लोगों ने कहा, ये ध्यान हटाना चाहते हैं चुनाव से, ये चुनाव से ध्यान हटाना चाहते हैं, लेकिन जनता जानती है कि वोट कहां डालना है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है, ये चुनाव परिवार वालों बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, और ये चुनाव संविधान बचाने का भी है, लोकतंत्र बचाने का भी है। जो लोग जानकारी रखते होंगे वो जानते होंगे कि नई लोकसभा बन रही है, जो नई लोकसभा बन रही है, बताओ आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि नई लोकसभा बन रही है? ये नई लोकसभा में पता नहीं क्या बना देंगे, क्या संविधान ले आएंगे। इसलिए समाजवादियों के साथ साथ हम अपने अम्बेडकर वादियों से भी अपील करेंगे, ये चुनाव ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के बाद न जाने क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसे समाजवादियों अम्बेडकरवादियों, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है उसको बचाने के लिए दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करना। बहुत सारे सवाल हैं, ये हमारे जितने प्रत्याशी हैं इन पे, इनके क्षेत्र के विकास की तमाम बातें हैं, लेकिन जिन लोगों ने समाजवादी सरकार देखी होगी वो जानते होंगे, चाहे बिजली के क्षेत्र में काम करना पड़ा होगा, चाहे पुल बनाने का काम करना पड़ा होगा, चाहे चीनी मिलों का सुधार या भुगतान करने का मौका मिला होगा, समाजवादियों ने कर करके दिखाया है। ये गन्ने का क्षेत्र है किसानों का, इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे, अलग से 10,000 करोड़ रुपए रखे जाएंगे, जिससे कि किसानों को कहीं भी धरने पे ना बैठना पड़े। अगर चीनी मिल पैसा नहीं देगी तो सरकार किसानों का भुगतान कराएगी और 15 दिन के अंदर भुगतान कराने का काम करेंगे। अभी मैं सुन रहा था
जयंत चौधरी जी ने कहा कि जिले की और योजनाओं को लाने के लिए और जिले के विकास के लिए वो जिम्मेदारी लेते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी के फैसले की हमेशा मदद की है। लोकसभा में मैं आ पाया हूं ना पाया हूं, लेकिन आपने एक एक वोट गठबंधन को देकर के जिताने का काम किया था। हमारी कोशिश थी कि जो सपना देखा था कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, कि दोनों दल मिलकर के काम करें, वो सफल नहीं हुआ। इसलिए मेरी कोशिश थी कि दोनों विचारधारा एक होकर के काम करें। आपने उस समय भी गठबंधन की मदद की, मैं इस बार फिर गठबंधन की मदद मांगने आपसे आया हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस बिजनौर को विकास में आगे रखने का काम हम दोनों लोग मिलकर के करेंगे। और अगर हमें लखनऊ से और दिल्ली से जोड़ने के लिए सीधी सड़कें भी बनानी पड़ी कम समय में पहुंचने के लिए, तो ऐसे एक्सप्रेसवे बना करके आपको लखनऊ से जोड़ने का काम करेंगे। वो तमाम सवाल हैं जो आप जानते हैं। खाद आपको नहीं मिली, बताओ खाद मिली क्या आपको? महंगाई हुई कि नहीं हुई? हमारे नौजवान नौकरी और रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और वहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, न जाने कौन सी बातें कर रहे हैं, उनके हम भाषण सुन रहे हैं। जो मुख्यमंत्री सांड ना पकड़ पाए वो बताओ नौकरी क्या देगा? हमारे किसानों को रात भर जगना पड़ रहा है अपनी खेती बचाने के लिए। वो कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। हमारे लोग जानते होंगे, जिस किसी ने फ्रिज ठीक कराने के लिए कभी बाजार गए होंगे, जो लोग कभी कभी अपनी फ्रिज खराब हो जाती है तो उसको ठीक कराने ले गए होंगे, तो मैकेनिक बोलता है कि कंप्रेसर खराब है इसलिए आपकी फ्रिज नहीं चल रही है। ये गर्मी निकालने वाले क्या कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है कि समाजवादियों की सरकार बनेगी, आरएलडी और गठबंधन की सरकार बनेगी, तो भर्ती और नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर करने का काम हम लोग करेंगे। इस मौके पर दो मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, ये जो दिल्ली वाले लोग हैं कभी कभी कहते हैं कि दो लड़के पहले भी देखे उन्होंने, वो दिल्ली वाले लोग कहते हैं कि दो लड़के पहले भी देखे। हमने कहा पहले देख पाए हो ना देख पाए हो, इस बार देख लो। ये दोनों किसानों के बेटे हैं और किसान इस बार अपना मान सम्मान का चुनाव समझ करके बैठा है, और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने काले कानून वापस करने में 700 किसानों को शहीद किया है, अगर एक एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएगा तो ये किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं है। इसलिए आज आपके दल के साथ जहां आरएलडी है वहीं महान दल का भी हमें समर्थन है, महान दल का भी हमारे साथ गठबंधन है। मुझे याद है जब नूरपुर का उपचुनाव हुआ था, महान दल के कार्यकर्ता और नेता निकल करके आए थे, उन्होंने समर्थन किया और वो उपचुनाव हम लोगों को जिताने का काम किया, वो भी गठबंधन का चुनाव था, गठबंधन को जिताया। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके एक और प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, बदायूं से लड़ रहे हैं, फर्रुखाबाद से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी जोड़ लिया। ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी 5 साल बाद आए, पहले क्यों नहीं आए? मैंने उन्हें अंग्रेजी की कहावत बताई कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, हथौड़ा तब
मारना है जब गर्म हो, तो बताओ स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए हो, महान दल आ गया हो, और जिनका झंडा पीला है ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए, चौहान दल भी साथ आ गया, बताओ अब कौन बचा है। ये हम लोगों ने सब रंगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है, हम लोग बहुरंगी लोग हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, और इसलिए कि एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करना है, जो ऊपर से नीचे एक रंग में दिखाई देते हैं, बताओ उन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे। इसलिए हमारे साथ नसीहाबाद के हाजी तस्लीम अहमद जी हैं, इन्हें कई बार आपने जिताया, कई बार आपने इनको जिता करके विधानसभा में पहुंचाया। ये चुनाव अलग चुनाव है, इस चुनाव में भी एक एक वोट दे करके इनको जिताने का काम करना, बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे। हमारे साथ मनोज पारस जी हैं, मनोज पारस जी को जिताइए। कपिल कुमार जी हैं, कपिल कुमार जी हैं, कपिल कुमार जी हैं बड़ापुर से, उनके यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, और समस्या के साथ साथ कुछ इलाके बिजनौर के ऐसे हैं जो बाढ़ में बहुत सा नुकसान हो जाता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं इस सरकार में मदद नहीं मिली होगी। समाजवादियों के समय अगर किसानों का नुकसान होता था तो किसानों की फसल का भरपाई करने का काम करते थे, आने वाले समय में हम लोग गठबंधन के लोग अगर ऐसा नुकसान किसानों का होगा तो उनकी मदद करने का काम और भरपाई पूरी की जाएगी। वहीं कच्ची जमीनों को लेकर के न जाने कितने दिनों से हमारे किसान और हमारे गरीब लोग इधर उधर कई बार सरकारी लोगों के चक्कर काटते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, उन्हें कहीं चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, उन्हें मालिकाना हक देने का काम भी गठबंधन की सरकार में होगा। वहीं नईमुल हसन जी हैं, इनकी मदद करना। नेटौर के हमारे मुंशी राम पाल जी जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है, इनकी मदद करने का काम करना। डॉक्टर नीरज चौधरी जी हैं बिजनौर के आरएलडी के, इनका हैंडपंप है, बताओ हैंडपंप की मदद करोगे। हैंडपंप भी कमाल का, जितना तेज चलाओगे उतना पानी निकलता है तेज, और साइकिल भी कमाल की, जितना तेज पैडल मारोगे उतनी तेज चलेगी। चांदपुर से हैं आदरणीय हमारे स्वामी ओम बेस जी, वैसे तो आपने टीवी मोबाइल व्हाट्सएप सब प्लेटफॉर्म पे देखा होगा किसी को, आपने हर एक जगह देखा होगा किसी को, 4.5 साल से भी देख रहे हो, लेकिन उनसे बहादुर और पर्सनैलिटी में कौन बड़ा दिखाई देता है। हैं पर्सनैलिटी में ठीक ठाक के नहीं उनसे,